बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज देहरादून में उद्योग व्यापार मंडल की ओर से विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। बता दें कि यह रैली रेंजर ग्राउंड से लेकर डीएम कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें विभिन्न संगठनों और युवाओं ने शामिल होकर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकान भी बंद रखते हुए एकजुटता का नारा दिया। इसी बीच दून उद्योग व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मैसन ने कहा कि आज हम आक्रोश रैली के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि भारत सरकार यूएन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हस्तक्षेप करे, जिससे कि वहां हिंदुओं का उत्पीड़न रुक सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आपने आज पूरे जनसैलाब को देखा, इस प्रकार से पूरा जनसैलाब आज जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने अपना प्रत्यक्ष रूप से विरोध भी प्रदर्शन कर दिया कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ लूटपाट हो रही है, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, वो कहीं भी मान्य नहीं होगा। और हिंदुस्तान की सरकार से भी हम मांग करते हैं कि यूएनओ में भी अपना प्रेशर बनाए और वहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बचाने के लिए पूरी जोर लगा दें और पूरी जनता, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान भारत सरकार के साथ है। जहाँ भी हिंदुस्तान की जनता की, हमारे संगठनों की जहाँ जरूरत पड़े हम वहाँ जाने को तैयार हैं। अगर हमें बांग्लादेश तक करना पड़ा, बांग्लादेश तक पैदल हिंदुस्तान से कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यूएनओ को भी, यूनुस खान को भी चेता दें, जो उनको नोबल पुरस्कार द्वारा दिया गया था फंड के द्वारा, वो भी वापस लेना चाहिए। ऐसे के साथ बलात्कार हो रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी क्या कहती कि जिस प्रकार भारत में मुसलमानों के साथ, अरे भाई आज तक बहुसंख्यक हिंदू समाज यहाँ में प्रताड़ित होता रहा। लाखों लोग पाकिस्तान बंटवारे के समय मारे गए, 30 लाख से अधिक लोग बांग्लादेश बंटवारे के समय मारे गए। और मैं कहता हूँ कि अब भारत का बहुसंख्यक समाज जाग चुका है और अब समय बदल चुका है, फिर से हिंदू चला जाए और जिसको भारत सरकार नहीं वो बांग्लादेश चला जाए, और जिन लोगों को बांग्लादेश से प्यार है वो बांग्लादेश चले, जिनको पाकिस्तान से प्यार है पाकिस्तान चले जाए, लेकिन भारत में वही रहेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। और आज हिंदू हित के लिए, समस्त विश्व के हिंदू को एकजुट करने के लिए ये पूरे भारत देश से आह्वान था, एकत्रीकरण था और बहुत बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में पूरे देश में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जो भी रक्त शिराओं में जिनके साथ एक ही रह रहा है उनकी रक्षा का दायित्व भारत के कंधों पर सबसे अधिक है। और मैं भी आज यहाँ समर्थन के लिए आई हूँ रैली पर, क्योंकि ये एक मानव के अधिकार का, सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, पूरे मानव जाति के अधिकारों की बात है। वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो बर्बर प्रथा अत्याचार हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस के कहने पर, ये बहुत ही निंदनीय अपराध है एक तरह से देखा जाए तो। और इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कि वो इस दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाएं। बांग्लादेश की सरकार प्रॉपर सरकार कायम हो, बहाल हो, ऐसे कदम उठाए सख्ती से, सब मिलकर पूरा देश उनके साथ है। हमारे पूरे देश की आवाज़ से देहरादून में नहीं, पूरे देश में जगह जगह आक्रोश रैलियाँ हो रही हैं और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके लिए सब हिंदू एक हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है।